जाट समाज ने जाट महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल सहित अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जाट समाज की उत्पत्ति भगवान शिव की जटाओं से हुई है और जाट वीर योद्धाओं ने किसी अत्याचारी को जमीन पर पैर जमाने नहीं दिए बल्कि उन्हें खदेड़ खदेड़ कर मारा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जाट महाकुंभ कार्यक्रम में कहा कि बचपन से ही मुझे जाट समाज का प्यार और आशीर्वाद मिला है। इमरजेंसी के वक्त जब मैं जेल से छूटकर घर गया था तब मुझे ये कहकर निकाल दिया गया कि ये तो फिर से जेल जाएगा। उस वक्त मुझे अपने घर में सहारा देने वाले जैत के विक्रम सिंह जाट थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुझे विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से ही जाटों का समर्थन मिला है। पहले विक्रम वर्मा का साथ और अब कमल पटेल का साथ मिल रहा है। प्रारंभ से ही बचपन से मुझे जाट समाज का प्यार और आशीर्वाद मिला है। इमरजेंसी में मैं जेल में बंद था, छूट के आया तो जनता पार्टी का काम शुरू किया। राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं घटना सुना रहा हूं। तो मुझे घर से निकाल दिया कि ये फिर जेल जाएगा। तो मुझे घर में सहारा देने वाले जैत के विक्रम सिंह जाट थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि औरंगजेब के खिलाफ संगीन विद्रोह का बिगुल बजाने में भरतपुर के शासक राजाराम जाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जाट समुदाय से ही आने वाले स्वामी केशवानंद जी का स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। औरंगजेब के खिलाफ संगीन विद्रोह का बिगुल बजाने में भरतपुर के शासक राजाराम जाट जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महाराजा सूरजमल और उनके पुत्र जवाहर सिंह, उनके शौर्य और पराक्रम का कोई स्थानी नहीं है। सीएम ने विधानसभा चुनाव में जाट समाज को बीजेपी की ओर से 10 टिकट देने की मांग पर कहा कि ये मेरे बस में नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा, ये पार्टी का मामला है, हम पार्टी में बात पहुंचाएंगे। जाट समाज के शैक्षणिक भवन के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में जमीन देने के लिए कमल पटेल को अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की मांग के अनुसार जाट महापुरुषों के इतिहास को मध्य प्रदेश स्कूल के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उनका इतिहास पढ़कर ताकत और बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। शैक्षणिक भवन के लिए अब मैंने तो मंत्री दे दिया, यहाँ आपके साथ खड़े हैं, मैं उन्हीं को अधिकृत करता हूँ। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में आप जानते हैं कि नियम प्रक्रिया सरकार को पूरी करके जमीन देनी पड़ती है। आप देखिए उपयुक्त स्थान का चयन करके उस दिशा में हम सार्थक कदम उठाने का काम करेंगे। अब एक बात पे भाई मेरा बस नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा 10 टिकट पक्के करो, अभी दो तो है ही, कमल पटेल जी और नीना विक्रम वर्मा जी। अरे एक दो इतने भारी होते हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।